बहुत 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 समय से वीडियो नहीं आ पाई है, थोड़ी सी भाई को दिक्कत हो गई थी, डेंगू वेंगू का माहौल फैल गया था और फिर कॉलेज के एग्जाम्स भी आ गए थे थोड़ा सही होने के बाद। तो अब जाके मैं तुम्हारे लिए फिर से हाजिर हूँ दोस्त कॉलेज रिव्यूज की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग कोशिश कर रहे होंगे हम लोग अब से वीडियोस रेगुलरली लाएं, एटलीस्ट हर वीक हम कुछ ना कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सीख रहे हो जिसको सीख के हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करने का वर्थ इट मीनिंग मालूम पड़ रहा होगा। जो भी लोग अब कॉलेज रिव्यूज को देखने के बाद कॉलेज में एंटर हो चुके हैं वो लोग अपनी क्वेरीज पोस्ट करना शुरू करो दोस्त, फर्स्ट ईयर में क्या क्या डाउट हो रहे हैं, तुम लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सारी बताओ मेरे को, वीडियोस एक के बाद एक बनाएंगे। और क्लैट वाले मेरे भाई बहन, अगर 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 कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें हैं जो तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए भी मैं तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम पे तुम्हें इन्वाइट कर रहा हूं। प्लीज अगेन फिर से, मैंने बहुत समय से क्वेरीज रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई थी आई नो, बट दिस इज मी कमिंग बैक टू यू फॉर हेल्पिंग यू ऑल। तो इस नोट के साथ हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी के बारे में, वन ऑफ द प्राइम प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो कि प्राइवेट लॉ स्कूल है हमारा। एनएलयूज में हमने कुछ एनएलयूज छूट गए थे, उसके पर्टिकुलर रीजन थे, उनके कैंपस एस्टैब्लिश उतने अच्छे से नहीं हो पाए थे, तो मेरे को कुछ ऐसी न्यूज मिली थी कि वो एक साल के अंदर एस्टैब्लिश हो पाएंगे, तो आई थॉट इन क्लैट 2022 से पहले आई वुड बी मेकिंग अ गुड ग्रेट वीडियो ऑन देम, सो इस वजह से उनको छोड़ दिया था। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं सिम्बायसिस लॉ स्कूल निर्मा यूनिवर्सिटी और भी ऐसे कुछ, जैसे कि तुम्हारा यूपीएस के बारे में बहुत लोग पूछते रहते हैं, तो काफी सारे कॉलेज हम लोग धीरे धीरे लेके आएंगे, परेशान नहीं होना है दोस्त। हम लोग तुम्हारे क्लैट से पहले इस बार सारे 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 कॉलेज को ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे जिसके बारे में भी तुम सोच सकते होगे। क्लियर है? चलो यार लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं निर्मा यूनिवर्सिटी की। एस्टैब्लिश हुआ था हमारा ये दोस्त 2007 में, 2007 में काफी टाइम हो गया है। अगर हम लॉ स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट के बारे में देखें तो कभी कई सारे 2013-14 में एनएलयूज ही आ रहे हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास कुछ एनएलयू बेस यहाँ पे दिखाई दे रहा होता है। रेलवे स्टेशन से दूरी हमारी केवल 45 मिनट, बस स्टैंड 30-40 मिनट दूरी दिखाई देता है और एयरपोर्ट हमारा 30 मिनट की दूरी पर दिखाई देता है, तो एक फेयर डिस्टेंस है। अहमदाबाद की सिटी में सिचुएटेड है, अच्छा खासा तुम्हें एनवायरमेंट मिल रहा, गुजरात एज ए स्टेट भी काफी अच्छा है, तो इन सब फैक्टर्स को देखकर लोकेशन वाइज हम कहेंगे कि हमारा निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ ठीक जगह पे। हालांकि अभी इतना ज्यादा मतलब थोड़ा जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं थोड़ा सा डिस्टेंस है आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, जो मेन जो अहमदाबाद है उससे थोड़ा आउटर में है शायद से, लेकिन फिर भी वो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। आप अपनी मतलब आप लोकेशन के हिसाब से कह सकते हैं कि अच्छी जगह पे आप सिचुएटेड हो रहे हैं, ठीक है। चलिए सर कोर्सेज करते हैं, कोर्सेज हमारे यहाँ बी एल बी दिखाई देता है, बीकॉम एल बी और एलएलएम। अगर हम बात करें क्लैट वाले बच्चों की, जो फर्स्ट यूजी वाले क्लैट वाले हैं, सबसे पहले बच्चे बी एल बी प्रेफर कर रहे होते हैं, बल्कि बीकॉम एल बी वाले बच्चे थोड़ी सी नीचे रैंक वाली उठा रहे होते हैं। कोर्सेज में सिमिलैरिटी लॉ के टर्म्स में कुछ नहीं होती, मैं तो बता चुका हूँ। बीकॉम के सब्जेक्ट जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा आराम समझ में आते हैं, थोड़ा बहुत उस तरह की एनवायरमेंट होता है, यहाँ पे हिस्ट्री इकोनॉमी पॉलिटिक्स टाइप के सब्जेक्ट हो रहे होते हैं, बाकी लॉ पूरा सिमिलर होता है। तुम्हें भी सीपीसी सीआरपीसी आईपीसी से पढ़ाया जाएगा, तुम्हें भी पढ़ाया जाएगा दोस्त, ठीक है, क्लियर हो रहा है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन क्राइटेरिया अगर हम देख लेते हैं तो बी एल एल बी में यार हमारा 120+60 की कैटेगरी इस तरह दिखाई दे रही है, बीकॉम एल एल बी में 120 सीटें हैं और यहाँ पे हमारा दिखाया एनआरआई स्पॉन्सर की और एनआरआई की सीटें कितनी दिखाई देती हैं, ठीक है सर। एडमिशन प्रोसीजर हमारा क्लैट की बेसिस पे होता है और निर्मा का फॉर्म भी भरना होता है हमें, ठीक है। चल सर ये देखते हैं, चलिए फी स्ट्रक्चर देखते हैं। ये एक फैक्टर है जो हम बात करते हैं कि हम क्यों नहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लेना चाहते हैं, क्योंकि इतनी हेफ्टी फीस यानी कि केवल ट्यूशन फी एक साल की आप देखिए 253,000 रुपए हम नहीं पे कर पाते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं यहां की आप देखिए 297,000 टोटल बन रहा है टोटल, यानी कि इसमें शायद से आपका खाना पीना इंक्लूडेड नहीं होगा। जी नहीं है, मतलब कि आप समझिए दोस्त इसमें एटलीस्ट 1-1.5 लाख रुपए ऐड करके चलिए तब आपका एक कॉलेज का एक साल खर्चा बन रहा होगा, यानी कि 4-4.5 लाख रुपए आप एक साल में दे रहे होंगे। दैट इज अ वेरी 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 गुड अमाउंट, मतलब बहुत ज्यादा पैसे हैं अगर मैं कहूं तो एक साल में देने के लिए। कुछ लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कॉलेज बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है जो हम बात करते हैं निर्मा या फिर सिम्बायसिस या ऐसे हैवी इंस्टीट्यूट में जो यहां दिक्कत आती है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम, अगर हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है यार। हॉल ऑफ लर्निंग, सेमिनार हॉल्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स, क्लासरूम तो बढ़िया होने ही होने हैं, प्राइवेट इतने खतरनाक पैसे ले रहे हैं तो कैसे नहीं बनाएंगे। ऑनलाइन रिसोर्सेज आपको सारी मिल रही होती हैं और आईटी सर्विसेज दिखाई दे रही है। हॉस्टल्स वगैरह नहीं है यार, ये एक प्रॉब्लम है, हॉस्टल्स नहीं है मैटर, इसको आप बना सकते हैं अपना एक चॉइस ना लेने का निर्मा को, बिकॉज एक रेजिडेंशियल हॉस्टल होना काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है, भले मैं भी कोविड की वजह से ज्यादा नहीं रह पाया, 7-8 महीने ही कॉलेज में रहा अपने, बट बिलीव मी
मतलब बाहर कॉलेज के रहने की लाइफ और कॉलेज के अंदर रह के, मतलब दैट इज टू डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर। ठीक है, कैंटीन है आपकी, ठीक है, आपको 2500 रुपए पर महीने देने होते हैं और इंडिविजुअल लाइब्रेरी आपको 9 बजे से 7 बजे तक मिल जाती है। लेकिन आप देखिए इस 9 बजे से 7 बजे तक, भाई हम एनएलयू की बात कर रहे हैं, तो हमारे रात में तो बच्चे क्लास के बाद लाइब्रेरी का यूज करना ही शुरू करते हैं। अगर आपकी क्लासेस मान लीजिए 3-4 बजे तक, 2-3 बजे तक हो रही है, उसके बाद 3-4 घंटे खा पी के 1-2 घंटे भी लाइब्रेरी में बैठ पाए, क्या मतलब है? 7-9 बजे शाम तक खोलने का मतलब ही क्या रहा है? बच्चे पहुंची नहीं पाए क्लासेस, समझ पा रहे हैं? तो इस वजह से यहाँ पे मुझे ये डिसएडवांटेज दिखाई दे रहा है। बाकी हॉस्टल्स हमारे जो है सबसे इंपॉर्टेंट ये दिक्कत है कि हमें बाहर जाके लेने पड़ते हैं। ऑल्दो कॉलेज वाले आपको सजेस्ट कर रहे होते हैं कि आप यहाँ पे ले सकते हैं कि कुछ वहीं, जैसे हर साल बच्चे जहां रुकते हैं वहीं हर साल बच्चे रुक रहे होते हैं, वो ठीक है, बट अपना चीज अपना ही होती है दोस्त, वो चीज हम देख रहे होंगे, बात समझ में आ रही है। ठीक है सर, हमारी यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जो निर्मा में कंडक्ट होती हैं, उसके हम कितना एक्टिविटी वाइज काफी रिच है, फॉरेन प्रोफेसर्स के द्वारा काफी सारी चीजें कराई जा रही होती हैं, उसका हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। देखिए हमारा एनुअल कल्चर नेशनल कल्चर स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है वाइब्स नाम का, फिर इंटर इंस्टीट्यूट कल्चर स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, फिर तुम्हारा कैंपस में रिक्रूटमेंट सेल है जो कि लोगों को प्लेसमेंट वगैरह में भी हेल्प कर रहा होता है। तो ये सब चीजें हैं, मतलब आप एज ए इंस्टीट्यूट अगर ओवरऑल देखें तो ये काफी डेवलप्ड इंस्टीट्यूट है। आपको यहाँ पे किसी भी तरह से आपको कोई एक्सपेरिमेंटल बेसिस नहीं होगा, आपको काफी सारी चीजें सेट मिलेंगी, आपके एल्यूमिनाइज भी काफी अच्छी जगहों पर मिल रहे होंगे। तो इस सब चीजों को देखते हुए अगर हम बात करके पढ़ के एक अच्छा लॉयर बनना है, वेलकम टू निर्वा। ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट दिखाई दे रहे हैं। देखो एक चीज यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है ना, काफी आप जो सोच रहे हैं उसकी आपकी इमेजिनेशन डिफरेंट। देखिए हम लोग सिर्फ एनालिसिस की बात करें तो केवल वहां पे लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट टू फाइव ईयर का एक लॉ का मतलब बच्चे होते हैं। आपके यूनिवर्सिटी निर्मा जो यूनिवर्सिटी है यही काफी छोटी है, इसमें एक इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की शायद 1 या 2 बिल्डिंग होंगी, इसके अलावा यहां मैनेजमेंट आर्ट्स इस सब चीजें और सब चीजें भी यहाँ पढ़ाई जाती हैं। मतलब एज स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो निर्मा के बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, समझ पा रहे हैं? इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे शायद रहने की सुविधा अवेलेबल नहीं है, कितनों को रखेंगे। लेकिन यही चीज तो है जो हम डीमेरिट और मेरिट में काउंट करते हैं कि हमें एक कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। क्या हम लॉ स्टूडेंट्स के साथ ही अपनी पूरी जो 5 ईयर लॉ है उसको करना चाहते हैं, या फिर हम एक यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ एनवायरमेंट लेना चाहते हैं जहां पे इवेंट्स तो हो रहे हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, शायद कभी इंजीनियरिंग वाला कोई करा रहा हो, कभी एमबीए वाले का कोई इवेंट हो, शायद तुम्हारा भी कोई इवेंट हो लॉ स्कूल वाले का। लेकिन अगर कहूं कि सोलली तुम्हारे ऊपर इंस्टीट्यूट फोकस है तो नहीं सर, आप से आपका मतलब जो अटेंशन है जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन का वो सब पे बटा हुआ है, उनको सबको लेके चलना है। तो दीज आर द थिंग्स, जो तुम्हें लग रहा होगा अभी प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे हिसाब से मतलब इट क्रिएट्स अ डिफरेंस। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हैं। चलिए हम लोग अकेडमिक बात देखते हैं, 100 नंबर पेपर एक्सटर्नल होते हैं, उसमें इंटरनल भी हो रहा होता है। ठीक है, 85% अटेंडेंस जो है रिक्वायर्ड होती है, मार्क्स रिडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है नंबर नहीं कट रहे हैं। बाकी मेरे को काफी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट वैसे भी दिक्कत दिखाई दे रही है, फैकल्टी बढ़िया है, फैकल्टी क्यों नहीं बढ़िया होगी, है ना? हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स कमिटी और क्लब्स और सोसाइटीज की। देखिए काफी सारे कमिटीज और दिखाई दे रहे हैं हमें, यहाँ पे एक होलिस्टिक आपको अप्रोच दी जा रही है आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। आपको स्पोर्ट्स कमिटी, कल्चर कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, मेस कमेटी सब कुछ है यहाँ पे, आप इनमें पार्ट ले सकते हैं। मीडिया कमेटी, डिबेट सोसाइटी, आप इनमें लेकर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, देख सकते हैं पिक्चर्स यार आपको कॉलेज में दिखाई दे रही होंगी, शायद तुम 12th तक के बच्चे कभी साथ में ऐसी पिक्चर सिर्फ वीडियोस में देखी होंगी यूट्यूब पे या कहीं पे। तुम्हारे सामने तुम्हारे बैचमेट्स, तुम खुद इनमें परफॉर्म कर रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे, सीख रहे होगे, ग्रो कर रहे होगे, ये सब चीजें हैं यार, एंड दैट मेक्स इंस्टीट्यूट अ वर्सेटाइल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इवेंट्स यार हमने पहले भी काफी डिस्कस कर लिए थे, उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। पार्लियामेंट्री डिबेट हो रही है, ADR का हमारे यहाँ चलन है काफी सारा, और जो आपका वाइब्स नाम का शायद स्पोर्ट्स इवेंट था, इसको भी दिखाया, नेशनल मूड कॉम्पिटिशन भी होता है। तो ये सब चीजें कुछ फैक्टर्स होते हैं कि एक इंस्टीट्यूट का पूरा एक पकड़ कितनी है। ठीक है, हम देख पा रहे हैं ये सब उनके इवेंट्स की कुछ इमेजेस हैं जिनको आप देख सकते हैं। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें, प्लेसमेंट्स यार ये रियलिटी है लॉ स्कूल्स की, समझो कुछ टॉप के नेशनल लॉ स्कूल्स अगर आप हटा देते हैं तो लॉ स्कूल्स आपको उतना धाकड़ प्लेसमेंट नहीं देते हैं, ये मैं बात कई बार रिपीट कर चुका हूं। इसी वजह से एक अगर एवरेज अनुमानुसार देखें तो 4-5 लाख रुपए ही एवरेज प्लेसमेंट जा रहा होता है निर्मा के बच्चों का भी। इसमें कुछ बच्चे हाईएस्ट पैकेज की अगर बात करें तो शायद 10-11-12 लाख उठा रहे होते हैं, और लोएस्ट में तो पता नहीं है। मेरे हिसाब से यही एक एवरेज है जो आपको लेकर चलना चाहिए, जो आप शायद मोस्ट प्रोबेबली आप यही पाए, है ना? समझ पा रहे हैं?
ठीक है सर। तो अगर हम बात करें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, तो क्यों हम जाएं सर निर्मा में, तो कहेंगे यार करिकुलम रिसर्च ओरिएंटेड है, आपको काफी ज्यादा रिसर्च पे फोकस कराया जाएगा, ठीक है। कमिटी एक्टिव में आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट काफी होगा, आप अहमदा हाईकोर्ट और एनसीएलटी जैसी जगहों पर इजिली एक्सेसिबल होंगे आपको, आप इंटर्नशिप वगैरह में आपको हेल्प हो सकती है, और लाइब्रेरी जो है वो काफी अच्छी है ऐसा मुझे रिव्यू मिला है, और एक निर्मा का ब्रांड नेम है। मतलब कि ब्रांड नेम से इंपॉर्टेंस इस तरह से आ जाती है कि जब हम कहते हैं कि हम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से हैं, तो हमारी एक आंकलन किया जाता है किसी इंसान के द्वारा जब बाहर हम जाते हैं, तो इंस्टीट्यूट का नाम आपके साथ हमेशा रहता है। ये बात मैं हमेशा कहता हूं तुमसे, इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ब्रांड नेम की। अगर आप बोलेंगे कि निर्मा से हूं, तो पीपल विल रिकॉग्नाइज कि हाँ यू आर फ्रॉम ए गुड प्रेस्टीजियस कॉलेज, भले आपने फीस कितनी भी दी हो, आपने क्या किया हो क्या ना किया, दैट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, बट यू आर फ्रॉम अ गुड कॉलेज। या वाई नॉट आई एल एन यू, सो क्लास मेंटेनेंस थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ये चीज सब्जेक्टिव है, या एंड थोड़ा फी स्ट्रक्चर आई है, ये चीज हम मान सकते हैं, केवल फी बहुत ज्यादा है, वरना अगर आप प्राइवेट लॉ कॉलेज करते हैं तो हमारे कंट्री में अवेलेबल लॉ कॉलेज में बहुत ही ज्यादा अच्छा लॉ कॉलेज है। मैं कहूंगा कि अगर तुम्हें ये मिल रहा है नेशनल लॉ स्कूल के अलावा, तो जरूर ठोक के लो यार, बिल्कुल भी मत सोचो, और इस वीडियो को लाइक कर दो दोस्त, अगर मतलब वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, शेयर कर देना, और यार भाई को सपोर्ट करना बंद मत करना। चलो टेक केयर, बाय बाय, टाटा।